अंबिकापुर वन विभाग एक नई पद्धति की शुरुआत पे है, एक सार्थक कदम उठा रहा है यह सरगुजा वन मंडल जो है, जिसके तहत बंजर भूमि में अब सीड बॉल के प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीड बॉल वो होता है जिसके अंदर एक मट्टी जो होती है उसके अंदर खाद और बीज डाल करके गोल करके बनाया जाता है और उसे बंजर ज़मीन में खोद करके या फिर छिड़काव करके फेंक दिया जाता है या छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ जब महीने बाद बारिश होती है या फिर कुछ उसमें आती है नमी तो उससे एक पौधा उत्पन्न होता है, वो पौधा बढ़ कर के पेड़ बनता है, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में बंजर भूमि जो है वो भी अब हरी भरी हरियाली भरी नज़र आएगी। इसी तारतम्य एक हमारे साथ सर मौजूद हैं, मैं इनसे पूछता हूँ इसके बनाने की प्रक्रिया के बारे में। सर सबसे पहले अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम है सुदामा विश्वकर्मा। सुदामा जी, ये जो सीड बॉल बनाने की प्रक्रिया है इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा कि बहुत सी संख्या में महिलाएं जो इसे बना रही हैं और टारगेट की भी बात करूँ तो मैंने जहाँ तक जानकारी रखा है तो उसमें जो है कि लाखों शायद सीड बॉल 1 लाख सीड बॉल बनाने की बात सामने आई है, तो इसके बारे में बता दीजिए इसकी प्रक्रिया क्या है। इसमें जैविक कंपोस्ट खाद, गोबर खाद, मिट्टी और कोयले का चूर्ण, लकड़ी का चूर्ण मिला करके इसको कायदे से मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इसको गोल गोल बनाते हैं, उसी बीच में 2 से 3 बीज को जो है डालते हैं और उसके बाद सुखा देते हैं। सूख जाने के बाद जो है जहाँ कहीं भी भेजना रहता है वहाँ भेज करके उसके बाद जगह जगह पे जो है भिगवाते हैं। उससे क्या होता है उसके बाद कितने दिन के बाद ये जगने लगता है, अंकुरित होता है? वो तो 2-3 दिन 4 दिन के अंतराल में जो है अंकुरित हो करके और उसके बाद उगने लगता है। तो ये केवल क्या कहते हैं, बंजर भूमि और पहाड़ों के लिए है या फिर इसे कहीं भी फेंक करके उगाया जा सकता है? ये जहाँ उतर चढ़ करके लगाने की सुविधा ना हो ऐसे जगहों के लिए ये तैयार किया गया है। तो क्या इसको बना करके फेंक दिया जाता है? नहीं, वो कहीं जो है ये साबल से दबा करके गड्ढा बना करके उसके बाद डाला जाता है और जहाँ उतरने चढ़ने की सुविधा नहीं है वैसे जगहों के लिए जो है दूर से ही बिगने पे पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं इसे लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर लोग जो ऐसे जहाँ कहीं पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, उन क्षेत्रों के लिए इसे सीड बॉल को बनाया जा रहा है, इसे फेंका जा सकता है और सब्बल से कोड़ करके बनाया हम जैसे बता रहे हैं कि दबाया भी जा सकता है, उससे भी ये पेड़ जो है ये जो बीज अंकुरित हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महिलाएं जो हैं ये सीड बॉल जो है बना रही हैं और इसके अंदर जो है वो बीज जो है एक एक बीज जो है एक एक गोले के अंदर डालती हुई नज़र आ रही हैं आपको। आप देख सकते हैं महिलाएँ जो हैं ये देखिए एक या दो बीज जो है इस गोले के अंदर डालती जा रही हैं। इसमें काफ़ी कुछ है मुझे देखने को मिल रहा है, मिट्टी खाद और ये जो बीच में बीज डाल करके इसको अपने हाथों से पूरा गोल कर रही हैं। आप देख सकते हैं बनाते हुए ये देखिए पहले मिट्टी को आटे की तरह गूंदा जा रहा है, गूंद करके इसको एक गोल आकार दिया जा रहा है। गोल आकार देने के बाद इसको बीच में इसके बीच में दाना डाल करके बीज डाल करके इसको फिर से गोलाकार दिया जा रहा है और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सूखने के बाद ये मजबूत और सख्त हो जाएगा, इसके बाद इसे कहीं भी फेंका या उगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे महिलाओं से पूछता हूँ इसको बनाने की प्रक्रिया। मैडम अपना नाम बता देंगी। कुंती बाई है। कुंती बाई जी, आप ये जो बना रही हैं ये क्या बोलते हैं इसको और इसके बनाने का प्रक्रिया बता दीजिए। ये इसको बोलते हैं सीड बॉल और इसमें मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और कोयला इसमें मिक्स करके आटा जैसे गूंद के हम लोग गोल करके इसमें बीच में बीज डालते हैं और इसको गोला का आकार में बनाते हैं। देख सकते हैं आप बता रही हैं, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। गुड़िया बता दो। प्रतिमा मणिपुरी। प्रतिमा, इसको कैसे बनाते हैं और कब से बना रहे हो आप? कैसे बनाते हैं सर? कोयला है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, मिट्टी है, इसको गोल आकार में करके बीच में छेद करके बीज डाला जाता है,
फिर गोलाकार में करके सुखाया जाता है। देख सकते हैं आप, बता रहे हैं कि इन्हें पूरी जानकारी है इसको कैसे बनाना है, मिट्टी और कंपोस्ट खाद, फिर उसे पानी मिला करके आटे की तरह गूंद करके गोल करके गोलाकार दे करके फिर उसमें बीच में छेद करके बीज डाल करके इसे फिर से पुनः गोलाकार दे करके इसे सुखाया जाता है। उसके बाद ये चला जाता है, ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर ये जगने के लिए किसी भी भूमि में, बंजर चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में, इसे फेंक करके या फिर सब्बल से कोड़ करके गड्ढा करके इसको उगाया जा सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको रखा कहाँ जाता है बनाने के बाद, चलिए देखते हैं। आइए चलते हैं, अभी हम देखते हैं सीड बॉल को जो बनाने के बाद रखा जाता है स्टोर रूम में। आप देख सकते हैं इधर बगल में ग्रीन हाउस भी है, काफ़ी हरियाली है, ये फॉरेस्ट का इलाका है। ये रहा वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ जहाँ रखा जाता है सीड बॉल बनाने के बाद। आप देख सकते हैं ये जो बोरे के अंदर भरा हुआ है, इसे ही कहते हैं सीड बॉल। सीड बॉल आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सूख के तैयार हो चुका है, सख्त है, मजबूत है, इसे कहीं फेंका भी जा सकता है। आपको भी मैं दिखाता हूँ इसको, देखिए तोड़ने के बाद ये रहा, जैसे कि ये एक बीज है, हालांकि ये थोड़ा सा टूटने से दबाने से ख़राब हो गया है, लेकिन इसको देख सकते हैं, इसको पूरी तरह से आपको दिखाऊं मैं अगर, ये देखिए ये बीज ये अंकुरित होने की स्थिति में था, जो सूखा है सूख गया है, इसको पानी पड़ेगा तो फिर से पुनः जीवित हो जाएगा। आप इधर देख सकते हैं जो बना करके रखा गया है, इधर आ जाइए, ये देखिए बात करूँ अगर मैं, ये पूरी तरह से इसे बना करके लाइन से इसमें रखा जाता है। आगे देखिए पूरी ये जो जगह है, ये जो बोरे दिख रहे हैं, ये तो पहले खुला रहता है सुखाने के लिए, सूखने के बाद इसको बोरे में डाल दिया जाता है, और बोरे में डालने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ काफ़ी गर्मी लग रही है, इसको एक तापमान में सुखाया जाता है। आप अगर ऊपर देखें तो ये पूरी तरह से बीच बीच में जो गैप दिया गया है ताकि सूर्य की रोशनी जो है अंदर आए और इसे सुखाया जा सके, एक तापमान इसको चाहिए अपने हिसाब से। जैसा कि अभी मैंने कहा आपको दिखाया सीड बॉल की जो क्या पद्धति है, जिसके बारे में हमने अभी गए थे फॉरेस्ट और बनाने की जो प्रक्रिया देखी, एक पद्धति के बारे में बता दूं, ये केनिया से ली गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बंजर ज़मीन को हरियाली में परिवर्तित करना है। इस तारतम्य में जो अंबिकापुर के रेंजर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे मैं पूरी जानकारी लेता हूँ। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, धन्यवाद। ये जो प्रक्रिया है पद्धति है इसके बारे में पूरा बता देंगे सर? ये पद्धति केनिया से ली गई है, इस पद्धति के तहत कम से कम लागत में हम दुर्गम क्षेत्रों पर हरियाली लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें सीड बॉल बनाने के लिए कोयले के चूरे का, जैविक खाद का, गोबर खाद का और मिट्टी का मिश्रण बनाकर बीज रखकर किया जाता है। उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर पौधे पहुंचाने में अधिक कठिनाई होती है, और ये मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम लागत में हरियाली अधिक से अधिक कैसे लाई जा सकती है। तो आपने देखा कम से कम लागत में हरियाली कैसे लाई जा सकती है, इन्होंने हमें बताया। सरगुजा वन मंडल के द्वारा एक बहुत ही सार्थक पहल कदम उठाया गया है, जिसके तहत बंजर भूमि भी अब जो है हरियाली में तब्दील हो जाएगी। अगर बात करूं मैं इस पद्धति के बारे में, ये सीड बॉल की पद्धति है जिसे केनिया से लिया गया है, जिससे बंजर भूमि भी अब उपजाऊ हो जाएगी। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएँ। मैं राम कुमार, फटाफट न्यूज़ के लिए कैमरामैन आयान के साथ।